Hello, children. I hope you all are doing good. Let's start today's chapter Mail Merge. In this chapter, you will learn about creating a mail merge, creating recipients list, inserting merge fields, viewing merge data, and printing the letters. In companies and business houses, sometimes it happens that the same letter is to be sent to a number of people, say so clients, vendors, shareholders, etc. So the same letters are created with the different addresses. Creating separate letters for all the people is very time consuming. Word provides a feature of mail merge in which we can create a data source which contains the addresses and merge it with the mail contents. या तो कई बार क्या होता है कि सेम लेटर को ना बहुत सारे लोगों okay? तो को भेजना होता है जैसे उनके क्लाइंट्स हैं या वेंडर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं ओके तो सेम लेटर को क्रिएट किया जाता है विथ डिफरेंट एड्रेसेस आप सोचिए कि अगर सेपरेट लेटर हर लोगों को भेजा जाएगा तो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा है ना तो इसीलिए एक फीचर है वो में दट इज मेल मर्स जिसमें हम डेटा क्रिएट करते हैं डेटा सोर्स को क्रिएट करते हैं जिसमें एड्रेस होता है फिर ये मर्ज हो जाता है मेल कॉन्टेंट के साथ ओके okay? तो सबसे पहले हमें कॉन्टेंट लिखना होता है फिर मेल मर्ज करना होता है क्रिएटिंग अ मेल मर्ज दी स्टेप्स आर इन्वॉल्व क्रिएटिंग मेल मर्ज डॉक्यूमेंट्स क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग अ डेटा सोर्स मर्जिंग डेटा सोर्स विद मेन डॉक्यूमेंट ओके तो जब आप मेल मर्ज डॉक्यूमेंट करते हैं ना तो उनमें ये तीन स्टेप्स आपके Included them, right? Main document. Main document is a document which contains the text or contents of the mail. It will be created only one time. So, main document, the document, in which the text is there, or content and you can it only Next is data source. Data source is a mailing list. It has the details of the recipient, like recipient name, address, phone number, pin code, city, etc. you need to create a data source to contain the information of all the recipients to whom you want to send the mail acha data source aapka mailing list hai isme recipient ki details hoti hai jaise ki recipient ka name ho gaya uska address phone number pin code city ye sari cheeze okay to aapko kya karna hota hai ki आपको data source को create करना है जिसमें आपके recipients की information होगी ओके okay? जिन्हें आप mail send करना चाहते हैं मर्ज फील्ड मर्ज फील्ड्स आर द फील्ड्स विच आर टू बर्ज विद द मेन डॉक्यूमेंट दीज फील्ड्स इंक्लूड डेटा आइटम्स लाइक नेम एड्रेस फोन नंबर पिन कोड एट्सेट्रा मर्ज फील्ड्स आर टू बी इंसर्टेड इन द मेन डॉक्यूमेंट टू द प्लेस व यू वांट द डेटा सोर्स टू अपीयर आफ्टर मर्चिंग ओके मर्ज फील्ड्स आपके वो फील्ड्स होते हैं जिनको मर्ज किया जाता है मेन डॉक्यूमेंट के साथ ओके okay. ये फील्ड्स में आपका डेटा आइटम्स इंक्लूडेड होता है जैसे कि आपका एड्रेस है नेम है फ़ोन नंबर है ओके okay, या पिन कोड है मर्ज फ्रील्स को इंजर्ट करना होता है आपके मेन डॉक्यूमेंट में टू द प्लेस जहां पर आपके चाहते हैं कि जो डेटा सोर्स है वो अपीयर हो आफ्टर मर्ज है टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे रीड द फॉलोइंग पॉइंट्स नंबर वन ओपन अ वो डॉक्यूमेंट नंबर टू टाइप अ लेटर एज शोन इन द फिगर नंबर थ्री आफ्टर टाइपिंग द कॉन्टेंट क्लिक ऑन मेलिंग स्टार नंबर फोर इन स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ स्टार्ट मेल मर्ज एंड नंबर फाइव फ्रॉम द लिस्ट सिलेक्ट step-by-step mail merge wizard number 6 to the right side of the window a mail merge task pane appears number 7 in select document type section select letter radio button and click on next starting document option at the bottom of the wizard number 8 in the next wizard in selecting starting document section select use the current document radio button लेक्ट रेसिपेंट ऑप्शन ऑफ द रिजॉर्ट एंड नंबर तो चलिए क्या करना है आपको देखिए कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करने हैं सबसे पहले हम ओपन करेंगे वर्ड डॉक्यूमेंट को अब यहां पर देखिए आपको लेटर टाइप करना है फिर कंटेंट टाइप करने के बाद आप क्या करेंगे मेलिंग टैब्स पे क्लिक करेंगे ओके okay? फिर स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप में आप इसका जो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे आप देखिए स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज रिजल्ट को सिलेक्ट करना ओके okay? फिर विंडो की राइट right साइड में ये मेल मर्ज टास्क पेन अपियर हुआ है अच्छा अब ये जो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप है इसमें देखिए आपके पास सिलेक्ट लेटर रेडियो बटन है देन आप जाएंगे क्लिक ऑन नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे के बॉटम में है राइट फिर नेक्स्ट विजर्ट पे आप क्या करेंगे ये जो आपका स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट सेक्शन है इसमें आप सिलेक्ट करेंगे यूज द करेंट डॉक्यूमेंट रेडियो बटन फिर आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे फिर सिलेक्ट करेंगे रिसिपेंट ऑप्शन को or fir aap move karenge next wizard pe okay creating recipient list here you can you will create a list of recipients to whom you want to send a letter number one in select recipient section click on type a new list radio button number two in type a new list section click on create button number three a new address list dialog box comes on the screen number 4 click on customize columns button number 5 a customize address list dialog box opens which allows you to add delete or rename the fields you want to be in the recipient list click okay button number 6 the fields you have added comes on the screen in the new address list number 7 now make the entries for the fields in new address field dialog box click on new entry button every time to make a new entry or you can click tab button to move to next line number 8 click okay button number 9 a save as dialog box comes to the screen number 10 select the location you where you want to save the file and type the name in file name text box click save button number 11 a mail merge recipients dialog box comes on the screen number 12 it will display the details of the recipients you have created नंबर थर्टीन क्लिक ओके बटन नंबर फोर्टीन क्लिक ऑन नेक्स्ट राइट योर लेटर इन एंड वंबर फाइव इज डिस्प्लेड ओके तो चलिए आपको क्या करना है आपको रिसिपन लिस्ट को क्रिएट करना है जिनको आप लेटर सेंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका जो सिलेक्ट रिसिपेंट सेक्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट पे ओके okay? देन आप टाइप क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पे एक नया डायलॉग बॉक्स आपका न्यू एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स आपका स्क्रीन पे आ रहा है है ना देन आप क्लिक करेंगे कस्टमाइज कॉलम बटन पे कस्टमाइज एड्रेस लिस्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ जिससे आपकी जैसे कि आपको ऐड कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं रीनेम कर सकते हैं फील्ड को जो आप रेसिपेंट लिस्ट में चाहते हैं ओके okay? देन आप करेंगे ओकी okay बटन पे क्लिक आप देखिए जो भी आपने फील्ड्स ऐड किए थे आपके स्क्रीन पे आ गए न्यू एड्रेस लिस्ट पे ओके okay. आप देखिए इसमें आप एंट्रीज डालेंगे फिर न्यू एंट्री बटन पे आप क्लिक करेंगे एवरी टाइम ठीक है जैसे जैसे आप न्यू एंट्री कर रहे हैं देन आप क्या करेंगे न्यू एंट्री पे बटन पे क्लिक करेंगे या फिर आप टाप बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए फिर ओके okay बटन आप देखिए सेव इस डायलॉग बॉक्स पर हो रहा है ओके फिर आप लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं फाइल को और नेम टाइप करेंगे टाइप करने के बाद आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे ओके okay, अब देखिए आपका ये मेल मोड जो रिसिपिन डायलॉग बॉक्स पर हो गया अब ये देखिए रिसिपेंट की डिटेल्स को डिस्प्ले कर रहा है जो जो हमने बनाई है ना फिर हम करेंगे ओके okay बटन पे क्लिक फिर नेक्स्ट राइट योर लेटर इन वर्जल्ड next wizard your display order okay next inserting merge fields number 1 after creating recipient list the next step is to merge the list with the main document for this you need to place the cursor at the position where you want to insert the merge fields number 2 click on mailings tab number 3 in right and insert fields group select the drop down arrow of the insert merge fields option नंबर फोर सेलेक्ट द फील्ड विच यू वॉन्ट टू इंजर्ट एट द कर्जर पोजिशन नंबर फाइव अगेन प्लेस द करजर एट ए रिक्वायर्ड पोजिशन देखिए आपको क्या करना है अच्छा देखिए रिसिपन लिस्ट क्रिएट करने के बाद अगला जो स्टेप होता है वो क्या होता है कि लिस्ट को मर्ज कर रहे मेन डॉक्यूमेंट के साथ तो उसके लिए आपको क्या करना है कर्जर को उस पोजीशन पर रखना है जहां पे आप मर्ज फील्ड्स को इंजर्ट करना चाहते हैं इसके बाद हम क्लिक करेंगे मेलिंग टैब्स फिर राइट एंड इंजर्ट फील्ड ग्रुप्स में आप सिलेक्ट करेंगे इंजर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन को फिर सिलेक्ट करना है फील्ड को जहां पे आप कर्जर पोजीशन को इंजर्ट करना चाहते हैं फिर अगेन आप कर्जर को प्लेस करेंगे रिक्वायर्ड पोजीशन पे एंड इंसर्ट मर्ज फील्ड ओके नाउ व्यूइंग मोर्ड डेटा Now, you can view the data source Merge with the main contents. For this, take the following steps. Number one, click on Mailings tab. Number two, in Preview Results group, select Preview Results option. Number three, or click on Next, Preview Your Letters option at the end of the wizard. Number four, you will see that the first record is displayed at the place where you inserted Merge fields. Number five, click on Next Record button to view the next record. Now, you preview to preview. ओके मोस्ट डेटा को आप क्या करेंगे सबसे पहले मेलिंग स्टैप पर क्लिक करेंगे ये आपका प्रीव्यू रिजल्ट ग्रुप है इसमें से आप प्रीव्यू रिजल्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे फिर नेक्स्ट प्रीव्यू योर लेटर्स ऑप्शन पे ओके अब आप देखेंगे जो फर्स्ट रिकॉर्ड है आपका डिस्प्ले हो रहा है उस प्लेस पे जहां पे आपने मोस्ट फील्ड को इंजर्ट किया है नाउ क्लिक करेंगे नेक्स्ट रिकॉर्ड बटन और उसके बाद आप ये नेक्स्ट रिकॉर्ड को व्यू कर सकते हैं राइट नेक्स्ट प्रिंटिंग द लेटर्स यू कैन टेकआउटर मोजिंग द डेटा टेक दू डर वन क्लिक ऑन मेलिंग टैब नंबर टू इन फिनिश ग्रोप सिलेक्ट ड्रॉप डाउन एरो मोज बटन नंबर थ्री और सिलेक्ट नेक्स्ट कंप्लीट द मोज ऑप्शन In merge section, click on print option. Number four, a merge to printer dialog box comes on the screen. Number five, select the radio button to specify records you want to print and click OK button. Number six, a print dialog box comes on the screen. Number seven, define the desired print settings and click OK button. And number eight, you will get the printout of the selected records. ओके okay, तो देखिए आपको क्या करना है लेटर्स को प्रिंट करना है आप देखिए जब आपका डेटा मर्ज हो गया कंटेंट के साथ तो आप उसके बाद उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे फिनिश ग्रुप में आप सिलेक्ट करेंगे फिनिश एंड मोर्ज बटन सेलेक्ट करेंगे नेक्स्ट कंप्लीट द मर्ज ऑप्शन फिर आपके पास इमर्ज सेक्शन पे प्रिंट ऑप्शन है इसको क्लिक करेंगे आप देखिए अमर्ज टू प्रिंटर डायलॉग बॉक्स आपका स्क्रीन पे आ रहा है है ना? ओके, फिर आप रेडियो बटन को सिलेक्ट करेंगे अपने रिकॉर्ड्स को स्पेसिफाई करने के लिए ओके एंड देन हम क्या करेंगे ओके okay पे क्लिक करेंगे अब प्रिंट डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया फिर प्रिंट सेटिंग्स को डिफाइन करेंगे और इसके बाद ओके okay बटन और अब आपको जो रिकॉर्ड्स आपने सेलेक्ट किए उनका प्रिंट आउट मिल जाएगा ओके Summary points. Word provides a feature of mail merge in which we create a data source which contains the addresses and merge it with the mail contents. Main document is a document which contains the text or contents of the mail. Data source is the mailing list. Data source contains the details of the recipient like recipient name, address, phone number, PIN code, city, etc. Merge fields are the fields which are to be merged with the main document. After merging the data with contents, you can take its printout. चल रेन आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे